अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर जुबिया और आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो फोर्थ ईयर के बारे में थोड़ा सा गाइड करना है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं जिनके पेपर्स हो चुके हैं थर्ड ईयर के, वो चाह रहे हैं कि उनको बताया जाए कि फोर्थ ईयर का कैसे हमने स्टार्ट कैसे लेना है ना, फोर्थ ईयर पढ़नी कैसे, ठीक है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो फोर्थ ईयर के जहाँ तक बात है, इसको हनीमून ईयर कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा धोखे वाली भी बात है, इतना भी कोई हनीमून ईयर नहीं है। तो इसलिए पढ़ना तो आपको होगा, लेकिन थोड़ा इन्जॉय भी करो, लेकिन पढ़ना भी होगा आपको, ठीक है। तो इसमें ये कि सबसे पहले आपके पास फोर सब्जेक्ट्स हैं। फोर सब्जेक्ट्स में सबसे पहले स्पेशल पैथोलॉजी है, मेजर सब्जेक्ट आप समझ लें कि इसमें ये स्पेशल पैथोलॉजी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है आई और तीसरा ENT, चौथा आपका सीमेंट, ठीक है। आपका पैथो और सीमेंट ये दो सब्जेक्ट्स हैं जिनके 300-300 मार्क्स हैं और बाकी जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं उनके 200-200 मार्क्स हैं, ठीक है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे इनकी। अच्छा, सबसे पहले ना हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करें, सबसे पहले हम पैथोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी स्पेशल पैथोलॉजी है और इसमें काफ़ी बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है, इतना एक्सटेंसिव है कि एंड पे कवर नहीं हो रहा था, इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, ठीक है। हम अगर इसको साथ साथ नहीं करेंगे ना, एंड पे छोड़ देंगे तो मतलब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मॉर्फोलॉजीज याद करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम बुक सिलेक्शन की बात करेंगे कि आपने बुक कौन सी सिलेक्ट करनी है। अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं कि कौन सी बुक इसके लिए प्रेफर की जाए, मोस्टली बच्चे मीडियम रॉबिन्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। मीडियम रॉबिन्स इज़ अ वेरी गुड बुक, लेकिन कुछ बच्चे जिनको बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट लेना होता है वो बिग रॉबिन्स की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिग रॉबिन्स इतनी एक्सटेंसिव हो जाती है, इतनी एक्सटेंसिव हो जाती है कि एंड पे वो कवर नहीं हो रही होती है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एंड पे बिग नहीं कवर हो रही होती क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, चीज़ें भूल रही होती हैं, आपको रिवाइज करने के लिए कुछ चाहिए होता है। अगर आप मीडियम के साथ जा रहे हैं तो साथ में पैथोमा आपने ज़रूर रखनी है, बिल्कुल। मतलब पैथोमा इज़ अ वेरी गुड बुक, मतलब मुझे बहुत पसंद थी पैथोमा। पैथोमा और मीडियम, इनका आप कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि आप अकेली बिग रॉबिन्स भी पढ़ सकते हैं, बिग के साथ भी आप पैथोमा पढ़ सकते हैं। मैंने बिग भी पढ़ी है, पैथोमा भी पढ़ी है, मीडियम भी पढ़ी है। मतलब मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स ना मीडियम से बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक्स किए थे, मोस्टली टॉपिक्स मैंने बिग से किए थे और कुछ चीज़ें जो थी ना वो पैथोमा से, बिल्कुल ही पैथोमा से की थी कि जिनका बिग में तो एक्सट्रीमली लॉन्ग है वो मतलब कवर वहाँ से नहीं हो सकती ना, तो इसलिए मुझे इस तरफ भी आना पड़ा। मीडियम में भी कुछ चीज़ें करनी पड़ी और बिग से भी करनी पड़ी। और लेकिन बिग से अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको एक नसीहत जरूर करूंगी कि आप नोट्स बनाएं, नोट्स ऐसे कि आप स्टिकी नोट्स, ये आप बिग रॉबिन्स जो है ना वो इतनी बड़ी है, उसके नोट्स बनाते बनाते आप पागल हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि उसमें ना साइड पे बुक में ही ना स्टिकी नोट्स लगाएं, ठीक है। स्टिकी नोट वहां पेस्ट करें टॉपिक में आपको जो समझ आ रहा है, फॉर एग्जांपल पैथोजेनेसिस है, उसमें आपको 4-5 पॉइंट्स हैं पैथोजेनेसिस के, आप एरो हेड्स लगा के उसको फौरन से लिख के उसको साथ ही पेस्ट कर लें। नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे सिर्फ वो अपना जो आपने स्टिकी नोट लगाया सिर्फ वही पढ़ेंगे, उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह मॉर्फोलॉजी साथ के साथ शॉर्टलिस्ट करना है, अभी से मैं नसीहत कर रही हूँ, स्टार्ट अब जैसे करनी है ना आपने हर टेस्ट को, मतलब पैथो साथ साथ पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई कंपनसेशन नहीं है कि आप एंड पे कर लेंगे किसी तरह भी, पैथो आपने साथ साथ करनी है। और जो चीज़ आप पढ़ें, ठीक है, अच्छी पढ़नी है पहली दफ़ा में ही, ये नहीं कि आप सर से उतारें, सर से नहीं उतारना, अच्छी वाली पढ़नी है। और दूसरी बात ये है कि स्टिकी नोट्स आपके पास होने चाहिए बड़े साइज़ के, ठीक है, वो जहाँ पे आप पढ़े हो पेस्ट करो, ठीक है, और जो आपको समझ आ रहा है ना उसमें से पैराग्राफ में उसको लिखो, अपने वर्ड्स में लिख दो, एरो हेड्स लगा के लिख दो, किसी भी तरह लिख दो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी एंड पे ना। और अगर किसी को किसी से इतनी मेहनत भी नहीं होती कि वो अंदर से ढूंढे पॉइंट्स, तो मुझे बता दो, मेरे से ले लो। किसी को फोर्थ ईयर का डाटा चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर्स कैफे के नाम से, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल पे टेक्स्ट कर सकते हैं। फोर्थ ईयर का आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो ये है पैथोलॉजी में कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग साथ साथ करनी है। अगर आप नहीं घुसना चाहते, आप मेरे पास शॉर्ट लिस्टिंग पड़ी हुई है, वो आप उनसे आप लिख के ना अपनी बुक पे पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, फोर्थ ईयर में पास्ट पेपर जान है पूरी फोर्थ ईयर की, आप समझ लें कि
पास पेपर जब तक आप नहीं करेंगे ना, आप कुछ भी अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसमें सिनेरियो जैसे थर्ड ईयर पूरा रटा थी ना, ये फोर्थ ईयर जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना सिनेरियो की, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए पास पेपर आपके आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, वो आपको किसी को टॉपिकल चाहिए, मेरे पास PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, वैसे चाहिए वैसे भी अवेलेबल हैं। आपको बुक लेनी है तो मैं रिकमेंड करूँगी फर्स्ट एड बुक, हमारे यहाँ पर मोस्टली पढ़ी जाती है, तो आप प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप फर्स्ट एड ले लें, क्योंकि वो उसमें सारी जो है वो सब्जेक्ट्स के होते हैं, तो या MBBS क्रैक्स की भी है, कोई कोई भी पास पेपर बुक, ये नहीं कि आप स्पेसिफिक है कि कोई भी एक ले, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लेना है। जैसे आप PDF से अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप PDF के पास पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बुक्स लेना। मैंने कोई बुक नहीं ली थी पास पेपर के लिए, मैं PDF मेरे पास थे टॉपिकल पेपर्स के, तो वो उन्हीं को ही यूज़ किया था। लेकिन आपने करना क्या है कि जैसे पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ना, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पे उसके टॉपिकल क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन कैसे बना है, और बुक के ऊपर ना लिख लेना है कि इसमें से क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ये काम शुरू से कर लेंगे ना, एंड पे बड़ी आसानी हो जाएगी, कुछ भी नहीं, पैथुक हलवा लगेगी बिल्कुल आपको। इसलिए अगर आपने पढ़नी है ना, तो साथ साथ बिल्कुल ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग करते जाएं, क्वेश्चन देखते जाएं, और साथ ना वहाँ पे नोट करते जाएं, जहाँ आपका टॉपिक लिखा है ना उसके ऊपर लिख लें इस टॉपिक में से इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस तरह ये काम आपने करना है। पैथोलॉजी के लिए, पैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, स्कैटर्ड है, लेकिन पैथोलॉजी बाकी सब्जेक्ट की नस्बत एंड पे पैथोलॉजी ही अच्छी लग रही थी एक्चुअली, और मुझे आई थोड़ी सी बुरी लगती थी, लेकिन जो थी एंड पे पेपर सबसे अच्छा आई का ही हुआ था। तो लेकिन ये कि आई में बहुत सिनेरियो प्रैक्टिस चाहिए, ENT में बहुत सिनेरियो प्रैक्टिस चाहिए, और CMAT तो आता ही बहुत आउट, आपके दिमाग से आउट पेपर आता है, खुद से लिखना पेपर वाला आता है, वो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो सबसे पहले ये पैथोलॉजी के बारे में आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ बाकी आई के बारे में और ENT के बारे में। थैंक यू सो मच।